नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G45 5G वर्सेस Samsung Galaxy M14 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G45 में 6.41 इंच जबकि M14 4G में 6.61 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो G45 में 2.94 इंच जबकि M14 4G में 3.06 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो G45 में 0.31 इंच जबकि M14 4G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि G45 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो G45 में 183 ग्राम जबकि M14 4G में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि G45 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो G45 में IPS LCD जबकि M14 4G में PLS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो G45 में 6.5 इंचेस जबकि M14 4G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन G45 में 720x1600px HD+ और M14 4G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G45 में 84% जबकि M14 4G में 82.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो G45 में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि M14 4G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G45 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और M14 4G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो G45 में 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M14 4G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो G45 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और M14 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G45 में Adreno 619 जबकि M14 4G में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G45 में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 और M14 4G में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो G45 में 4GB की RAM मिलती है, जबकि M14 4G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो G45 में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि M14 4G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो G45 में Android V14 जबकि M14 4G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो G45 में 3 कलर्स जबकि M14 4G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
G45 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिल जाता है। वहीं अगर बात करें M14 4G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,499 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 10,930 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटो जी 45 5G में 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी M14 4G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में M14 4G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में G45 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो के 12X 5G है, दूसरा रियलमी नाजो N65 5G है, तीसरा शाओमी रेडमी 13 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y28S 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।